सेल एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन। सेल एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन केंद्रीय कमेटी नई दिल्ली का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बोकारो क्लब के बैडमिंटन हॉल में फेडरेशन के अध्यक्ष एम के अभिमन्यु की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार रामटेके ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय कमेटी अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा वर्ष 2005 में सेल प्रबंधन को एक निर्देश दिया गया कि एससी एसटी का संगठन होना चाहिए। उसी आधार पर सेल एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया और यह केंद्रीय कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके अध्यक्ष एम के अभिमन्यु, महासचिव रविन्द्र महली और कोषाध्यक्ष शंभू प्रसाद हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें समाज के ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सेल के सभी यूनिट से प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने एक स्वर में कहा कि सेल में अधिकारियों कर्मचारियों पर हो रहे शोषण को बंद किया जाए। मौके पर प्रबंधन सीएफपी चंद्रपुर से बाबा राव मून, राहुल किला से शरद चंद, परीक्षा कोलोरी डिवीजन से दिलीप कुमार, रांची से जयप्रकाश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। पहली बार किया गया है, क्या कहेंगे? बोकारो इस्पात संयंत्र में सेल एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा यह राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और हम लोगों का ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है और हर बार होगा। और कार्यक्रम करने का मकसद ये होता है कि जो मैनेजमेंट का जो ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है, उनको लगता है, तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही कार्यक्रम किया जाए। कई लोग आने में असमर्थ रहे हैं, झारखंड में बंदी है और बंदी के खिलाफ जो है सरकार आने के लिए चाहा भी लोग, लेकिन बंदी होने के कारण नहीं आ पाए। उद्देश्य क्या? ऐसा है कि सेल एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का आज बोकारो यूनिट में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जितने भी सेल के यूनिट के लोग हैं और सेल के जितने भी यूनिट के पदाधिकारी लोग हैं, मुख्य पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के एक रणनीति तैयार करें कि अनुसूचित जाति सेल में जितने कार्मिक हैं, अधिकारी वर्ग के लोग, उनका पदोन्नति की समस्या या अन्य भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टिव्स है और उस डायरेक्टिव्स के हिसाब से यहाँ के यूनिट के लोग सहित और भी सारे यूनिट के लोग अगर मैनेजमेंट काम कर रही है तो उनको पदोन्नति से लेकर और भी अन्य समस्याएं हैं कार्मिकों की, अधिकारियों की, इन सारी रणनीति पे यहाँ पे चर्चा। क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह निदान होगा? ऐसा है कि एक तो जो कार्मिकों की पदोन्नति की समस्या लंबे समय से बढ़ गई, स्वास्थ्य की समस्या, या मैं तो समझता हूँ स्वास्थ्य कोई एससी एसटी के ही लोग नहीं है, बाकी और भी सारे लोग हैं इसमें, और भी जैसे कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल चाहिए और यूनिट में भी कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है, और पदोन्नति का मामला है जो हार्ट शॉप में हमारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि फेडरेशन ने इस संबंध में काफ़ी संघर्ष किया है 2005 से और उसके बाद में करीब करीब जहाँ पे एक सीजीएम या जीएम तक हुआ नहीं करते थे, आज 100-100 जीएम और ईडीज लेवल तक हमारे लोग पहुँच गए हैं, पर आज भी डायरेक्टर स्तर पर पहुँचने की हमारे लोगों को आवश्यकता है। साथ ही जो कार्मिकों की जो समस्या बनी हो, जस की तस पड़ी है सारे यूनिट में, उन हम सबका निदान कराना। एक संवैधानिक फोरम भी है जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति माने पार्लियामेंट्री कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन सारे लोगों को विश्वास में लेकर के हम मैनेजमेंट को का ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि जो ये गाइडलाइन बनी है हम लोगों की सुरक्षा या संरक्षण के लिए उनको लेकर के
इस समस्या का समाधान किया। फेडरेशन में महिलाओं को कई मंच पर जगह नहीं दिया गया, तो कैसे फेडरेशन में मजबूत बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फेडरेशन में, हमारे फेडरेशन में दो महिलाएं हैं और दोनों ही कॉरपोरेट ऑफिस में हैं, और सेल कॉरपोरेट ऑफिस में दोनों ही महिलाएं शुरू से ही नेतृत्व कर रही हैं। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ महिलाओं को हमने चांस दिया है, कुछ यूनिट में अगर नहीं दिया है तो धीरे धीरे देंगे। सर सर एससी एसटी को लेकर, प्रमोशन को लेकर तय मानक है सरकार की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि तय मानकों का प्रमोशन को लेकर पालन नहीं हो पा रहा है देश में? ऐसा है, मानक को लेकर के अगर वो करते तो ये फेडरेशन का गठन ही क्यों होता? फेडरेशन का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस्पात मंत्रालय, पार्लियामेंट्री के कमेटी के इंटरफेयर करने के बाद से ही इस फेडरेशन का गठन हुआ है, और सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दी है, और 2005 से लगातार ये फेडरेशन चल रहा है, कहीं कोई बात नहीं। तो